गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, टॉपिक एंटोनिम्स। यस्टरडे आई विल टेल यू द सिनोनिम्स एंड टुडे आई विल टेल यू द एंटोनिम्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल सिनोनिम्स। सो टुडे आई विल टीच यू द 18th चैप्टर, पेज नंबर 68, टॉपिक एंटोनिम्स। लेट्स स्टार्ट नाउ। एन एंटोनिम्स इज अ वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड। तो एंटोनिम्स किसे कहते हैं? एंटोनिम्स उस वर्ड को मतलब एंटोनिम्स उसे कहते हैं अगर कोई वर्ड है उसकी ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटोनिम्स कहेंगे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट वर्ड को ही एंटोनिम्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, हैप्पी, सैड, एंशंट, मॉडर्न, राइज, फॉल, इनसाइड, आउटसाइड। क्लियर है? सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन एंटोनिम्स। सो दिस लिस्ट इज राइट डाउन इन योर कॉपी। ओके, and I will also solve the exercise in this chapter. Open the next page, page number 69. This is your exercise. Match the word in column A with their antonyms in column B. सो आपके यहाँ पे कॉलम ए एंड कॉलम बी दिए गए हैं, इसमें आपको एंटोनिम्स किसके कहाँ पे एंटोनिम्स हैं वो उसे मैच करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइन नहीं खींची है। लाइन खींचने से आप चाहे तो इसमें लाइन से मार्क कर सकते हैं, पर लाइन खींचने से अभी मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाती, इसलिए यहाँ पे मैंने नंबरिंग डाली हुई है। तो आपको जो भी ईजी लगे, आपको नंबर इजी लगे तो नंबर डालिएगा, और आपको अगर लाइन इजी लगे तो लाइन से आप क्रॉस लाइन बना दीजिएगा। बाकी इसे जब आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो जो कॉलम है उसके सामने राइट लिखिएगा, इसको बुक की तरह ऊपर नीचे मत लिखिएगा। जो राइट आंसर है उसके सामने सामने वो एंटोनिम्स आप वर्ड लिखिएगा, उसके सामने एंटोनिम्स डालिएगा। जैसे कि आपकी ये लिस्ट में बना हुआ है, ये देखिए वर्ड्स एंड एंटोनिम्स। सो इसी तरह आप यहाँ पे भी वर्ड्स एंड एंटोनिम्स डालेंगे, और जिस वर्ड्स का जो भी एंटोनिम्स है वो आप करेक्ट लिख देंगे। फर्स्ट है आपका बोरो, तो बोरो का आपका है लैंड। सेकंड है लीनियंट, तो लीनियंट का आपका देखिए कहाँ पर है, लीनियंट का स्ट्रिक्ट, ठीक है। थर्ड आपका है सर्टेन, सर्टेन का डाउटफुल। फोर्थ है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट का हो जाएगा एब्सेंट, कहाँ है एब्सेंट, ये रहा। उसके बाद है सिक, ये देखिए। फिफ्थ है आपका सिक, तो सिक का आपका हो जाएगा हेल्दी, है ना। पोलाइट सिक्स्थ आपका है पोलाइट, पोलाइट का आपको देखिए क्या हो जाएगा, रूड। सेवेंथ आपका है ओरल, तो ओरल का आपका हो जाएगा रिटन। मोशन एट्थ है आपका, मोशन का आपका हो जाएगा रेस्ट। नाइन्थ है परमानेंट, परमानेंट का आपका हो जाएगा टेम्परेरी। टेंथ है आपका वैकेंट, सो वैकेंट का आपका फुल। इलेवेंथ है आपका इनोसेंट, इनोसेंट का हो जाएगा गिल्टी। ट्वेल्थ है आपका वेट, वेट का हो जाएगा ड्राई।
थर्टींथ है आपका स्विम, स्विम का हो जाएगा ड्रोन। फोर्टींथ है आपका रिमेंबर, रिमेंबर का आपका हो जाएगा कहाँ गया फॉरगॉट ना, रिमेंबर का आपका हो जाएगा फॉरगॉट, फॉरगेट ये रहा ना फोर्टीन। उसके बाद है फिफ्टींथ लूज, लूज का टाइट, टाइट देखिए कहाँ है, इसमें से आप करिए टाइट। फिफ्टींथ आपका ये रहा है ना टाइट। फिर है डेंजरस, सिक्सटीन आपका डेंजरस का क्या हो जाएगा, डेंजरस का आपका हो गया सेफ। उसके बाद है सेवेंटीन वाइल्ड, वाइल्ड का आपका क्या हो गया टेम। एटीन है वाइज, वाइज का आपका हो गया फुलिश। एंड नाइनटीन है परचेज, परचेज का आपका हो गया सेल। ट्वेंटी है आपका लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का आपका हो गया टेनेंट। ओके सो दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीट नाउ एंड दिस चैप्टर इज कम्प्लीट नाउ। आई कैन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल इन दिस लेसन एंड ऑल द एंटोनिम लिस्ट एंड एक्सरसाइज इन राइट डाउन इन योर कॉपी एंड लर्न इट ऑल्सो। ओके थैंक यू।